बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक इस महीने के अंत में दिल्ली में होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के परिणामों और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल, तीसरे साल के पहले बजट और पहले 100 दिनों की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। राज्यों में सरकारों और संगठनों के बीच बेहतर तालमेल पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जैसा कि सभी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की यह बैठक होने वाली है, सभी लोग बड़े जो नेता कार्यकर्ता कहें वो शामिल होने वाले हैं, दिल्ली में यह बैठक होगी, तो किन मुद्दों पर, जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि राजस्थान में भी 11 सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ से चली गई, तो पूरा मंथन यहां पर किया जाना है और क्या विशेष जानकारी इसको लेकर? देखिए प्रीति, बहुत इम्पोर्टेंट मसला है क्योंकि 22 तारीख से जो है वो लोकसभा वापस शुरू होगी। 23 तारीख को बजट जो है वो रखा जाएगा, केंद्र का बजट है, और उस बजट का क्रियान्वयन किस तरीके से हर स्टेट में हो, जहां बीजेपी शासित जो स्टेट्स हैं या जहां पर बीजेपी जो है वो गठबंधन में सरकारें जहां पर बनाई गई हैं, तो वहां के सारे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं उनको जो है वो बुलाया जाएगा, और जो महीने के अंत में जो है ये बजट जो है वो सदन के पटल पर रखने के बाद जो है वो उन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो है वो बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि किस तरीके से जो है गुड गवर्नेंस जो है वो मोदी सरकार का जो पहला ध्येय है उसको किस तरीके से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसको लेकर ये बैठक होगी। देखिए, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से काम किया था उसका इम्पैक्ट वो चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में आए और वो फुल प्रूफ तरीके से वापस जो है पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाए, लेकिन बहुमत से थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन एनडीए को पूरा बहुमत मिला, सरकार में जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई है, तो वो कमी कहाँ रह गई है उसको जानना बहुत जरूरी है, और इसी चीज के ऊपर जो है कवायद होने वाली है और एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सारे जितने भी स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन में बीजेपी ने सरकार बना रखी है, वहां के जो है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को वहां पर बुलाया जाएगा और एक बड़ी बैठक होगी जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उसके साथ साथ जेपी नड्डा और ये सारे लोग जो है वो 1-to-1 मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और आगे का किस तरीके से जो है इंप्लीमेंटेशन करना है, बजट की जो जो घोषणाएं होंगी, बजट के जो प्रावधान होंगे उनको किस तरीके से उन स्टेट्स में जहां पर बीजेपी राज में है वहां पर किस तरीके से इंप्लीमेंट करें ताकि उसका इंपैक्ट जो है वो आने वाले चुनाव में हो। देखिए प्रीति, ये साल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हैं और उसके बाद फिर अगर 2025 की अगर हम बात करें तो झारखंड, दिल्ली, बिहार, आसाम के जो है वो चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आने वाले टाइम में जो है लगातार चुनाव का दौर रहने वाला है 2027 तक, तो ऐसे में मोदी सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट्स में है, क्योंकि जिन बड़े मुद्दों को लेकर मोदी सरकार 3.0 पर आई है, सरकार बनाया है, तो उसमें बड़े जो मुद्दे हैं उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करें उसके लिए राज्यों में भी जो है वो सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, तो उसका इंपैक्ट किस तरीके से जाए इसको लेकर ये एक बड़ी बैठक होने वाली है। जी प्रीति। दुर्गेश, देखिए जैसा कि आपने कहा, विशेष नजर इस जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में उन पर रहने वाली इस बैठक में पूरा मंथन किया जाना भी जरूरी हो जाता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जो सीटें थी वो खोती नजर आई, तो इसके साथ ही क्या लगता है राजस्थान के जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, बजट को लेकर राजस्थान के लिए क्या विशेष हो सकता है इस बजट में, आने वाले बजट में? हर स्टेट्स को कुछ ना कुछ मिलेगा माना जा रहा है क्योंकि पहला बजट होगा तीसरी सरकार का, मोदी सरकार का, तो ऐसे में कोशिश यही है कि
पूरी तरीके से जिस तरीके से जहाँ जहाँ भी जो बीजेपी कमजोर रही है उन क्षेत्रों को भी जो है वो फोकस रहेगा बजट में। साथ साथ अगर अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें प्रीति, तो यहाँ पर 11 सीटों का जरूर लॉस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोटे में कोई कमी नहीं की है। यहाँ को जो देना था वो पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, चार चार मंत्री जो है वो यहाँ से बनाए हैं। तो ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व की कहीं कोई कमी नहीं है, जो चीजें जो लेकुना छूट गया उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए ये कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि उपचुनाव भी होने वाले हैं। चार पांच सीटों पर जो उपचुनाव हैं उसमें किस तरीके से जीत हासिल करें, जो खोया हुआ जो जनाधार है वो वापस किस तरीके से पाया जाए, इसकी कोशिश रहेगी। तो राजस्थान को भी माना जा रहा है कि जो केंद्र का जो बजट आने वाला है उसमें बढ़िया कुछ जो है वो मिलने वाला है, और कोशिश यही रहेगी कि समानता के साथ में जो है मोदी सरकार जो है अपना जो पहला बजट है, क्योंकि का विजन जो है आने वाले 5 सालों का वो इस बजट में देखने को मिलेगा। जी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।